Hi guys, welcome back to my channel. This is your love song. Hi. Okay, so I just need to say something. I just need to share something with you guys. So apparently mere jema uska pet ekdam se ekdam se uska pet bahut bada ho gaya hai and also uski nipple nikal gayi hai bahut zyada. Maine kuch din pehle bola tha apne vlog mein ki mere jema ki dudu bahut badi ho gayi hai and तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि शायद वो प्रेग्नेंट हो सकती है क्योंकि एक महीना पहले वो हीट में था. एक्चुअली शी वॉज ऑन हर पीरियड यू नो वन मंथ एगो. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इफ शी इज रियली प्रेग्नेंट और नॉट. मतलब आई एम नॉट श्योर. मुझे बहुत लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, कल मेरे दोस्तों ने बोला था और आज भी जब मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी उन्होंने भी बोला कि वो प्रेग्नेंट लग रही है क्योंकि चुंगचुंग जेमा और मेरी फ्रेंड का जो डॉगी है, मतलब सब लोग खेल रही है पार्क में, ठीक है, बट शी इज़ नॉट प्लेइंग. जेमा इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रही है. उसका बहुत ज़्यादा शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हुआ है, मतलब एकदम से यू नो, एंड उसका पेट बड़ा है एंड उसकी निप्पल वो हुई है एंड ऑल्सो जेमा बहुत सुसू कर रही है. मतलब छोटा 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 बार बार सुसू करते ना, वो बार 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 सुसू कर रही है. थोड़ा सा सुसू, ज़्यादा नहीं है सुसू, थोड़ा बार कर रही है. एंड ऑल्सो उसको उल्टियाँ भी हो रही थी. अभी नहीं, मतलब दो तीन दिन पहले उसको उल्टियाँ भी हुआ था. सो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कैसे हुआ. मतलब इफ शी इज प्रेगनेंट हाउ, कैसे कैसे हुआ, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट. मैंने बहुत कोशिश किया इन दोनों को अलग रखने का. हर टाइम मैंने इनको अलग रखा है. जब शी वॉज ऑन हर हीट, शी वॉज ऑन हर पीरियड, मैंने इन दोनों को बहुत अलग रखने की कोशिश की है. एंड पता नहीं कैसे हो गया. हाँ, ये बात है कि मैं बहुत बीच बीच में मैं मूवी देखने चाहता हूँ या फिर घूमने चाहता हूँ, तब ये दोनों अकेले होते हैं, तब पता नहीं कुछ किया होगा इन्होंने. बाकी आई डोंट नो, पता नहीं जेमा कैसे हो गई. अभी बहुत ठीला ठाला गया, अब तो अच्छा से ऊपर से, अब तो मुझे उससे पेट से भी डर लगता है क्योंकि उसका पेट भी सच में ऐसे ऐसे बड़ा हो गया. मेरे दोस्तों ने बोला था कि उसके पेट पे ज़्यादा हाथ मत लगाना, शी कैन बी प्रेग्नेंट. एंड कल मैं जाऊँगा, कल मैं सुबह या फिर दिन में जाऊँगा, मैं एक बार उसको अल्ट्रासाउंड करवाऊँगा. आई थिंक उस अगर होगा तो पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड से, नहीं है तो फिर अच्छी बात है ना, क्योंकि इससे अभी छोटी है. शी इज़ ओनली 8 मंथ्स, 8 महीना का है वो, अभी बहुत छोटी है. एंड आई डोंट थिंक कि वो संभाल पाएगी बच्चे को, ना ही मैं संभाल पाऊँगा. यू नो आई एम नॉट रेडी फॉर यू नो, आई कांट बी अ ग्रैंड मदर नाउ. मैं दादी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ अभी, यू नो. सो या लेट्स होप कि हुआ ना हो. अगर इफ शी इज प्रेगनेंट तब भी अच्छा ही है, क्या कर सकता हूँ. मेरा खुद का बच्चा है, मुझे देखना ही पड़ेगा. आई हैव टू टेक मोर केयर ऑफ हर. मेरी फ्रेंड ने ऐसा बाउल तीन लाया तीनों को खाना देने के लिए. सबसे पहले जेमा को दिया, फिर चुंग चुंग और अपनी डॉगी को दिया, फिर ऐसे मुड़ा, जेमा ने खा लिया अपना खाना. मेरी फ्रेंड शॉक हो गई, शॉक. मैंने बोला देखो ऐसा ही है वो, कुछ दिन से क्या करिए, वो अपना खाना इतना जल्दी खाती है ना, उसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उसको, फिर वो झुंझुंगा पूरा खाता है, वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगी है. तो वही मेरी फ्रेंड भी बहुत शॉक्ड हो गई है इस बात से. मैं आपको दिखाता हूँ उसका पेट कैसा हुआ है. वो उसका पेट बहुत बड़ा है, उसका निप्पल पूरा ऐसे पूरा निकल गया है. आई विल शो यू, समझ गया. वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर इसका पेट देखो. और मुझे मेरी फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि इसको ज़्यादा वो मत करना, पेट पर हाथ मत लगाना. एंड उसका निप्पल देखो, मैं आपको उसके निप्पल दिखाती हूँ. छोटा था, छोटा उसका पेट देखो, ये है उसका पेट और ये उसका निप्पल. छोड़ देखो पेट दिख रहा है उसका, एकदम से उसका पेट ऐसा हो गया. था, 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 था,
So, आप लोगों ने देखा उसका पेट कितना बड़ा हो गया और उसका निप्पल पूरा ऐसा है. मैं सच में सर दर्द करे पता है. अगर उसका बच्चा इसे आई वॉन्ट बी एबल टू हैंडल. मैं हैंडल नहीं कर मतलब मैं और नहीं पाल पाऊंगा ऑनेस्टली. मैं और नहीं मैनेज कर पाऊंगा. टू इज इनफ मोर देन इनफ फॉर मी. सो अगर और भी आए ना देन इट विल बी अ हेडेक फॉर मी. बट येस ऑफकोर्स मैं केयर करूंगा. इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देयर. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा जिम्मेवारी बनता है अगर हुआ है तो. अगर नहीं हुआ है तब भी गुड. अगर बच्चा हो गया तब भी गुड. सो कल अल्ट्रासाउंड करने जाऊंगा. अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा. तो बिकॉज सी मैंने सुना मैंने काफ़ी लोगों ने बताया कि इफ शी इज़ प्रेगनेंट देन रफ्सा यू आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल. क्योंकि बहुत मुश्किल हो गई. उसको संभालना होगा. उसको एक्स्ट्रा टेक केयर करना होगा. एंड ऑल्सो फिर जब बच्चा पैदा होता है ना देन इट इज़ वेरी हार्ड. बहुत मुश्किल होता है बोला. ओ माई गॉड आई एम सो स्केयर. नोबडी नोस. आई डोंट नो कैसे हो गया ये. आई होप नहीं हुआ वो बच्चा. आई होप सो. ओके बाय बाय गाइस. दैट्स ऑल. गुड नाइट. स्वीट ड्रीम्स. लव यू ऑल. भक्ति हो सकता.